पठान और टाइगर 3 में एक्शन करने के बाद सलमान खान की जल्दी आगे एक और फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म कौन सी होने वाली है, कब रिलीज होगी, शूटिंग कब शुरू होगी, वो सब डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों टाइगर 3 को सुपर हिट होने के बाद सलमान खान काफी टाइम से अपनी अगली फिल्म को लेकर छाए हुए हैं। एंड वैसे तो फिलहाल उनके पास अपकमिंग कई सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान विष्णु वर्धन के साथ जो अपनी नई फिल्म बना रहे हैं उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, एंड शूटिंग कब शुरू होने वाली है वो आपको आगे बताने वाले हैं। अच्छा, देखो भाई लोग, सलमान खान आए नए दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं, कभी बिग बॉस की वजह से तो कभी अपनी मूवियों की वजह से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड अब भाईजान डायरेक्टर विष्णु वर्धन के साथ आने वाली नई फिल्म को लेकर छाए हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, इस फिल्म की चर्चाएं सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान के साथ चलती हुई आ रही हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन अब बताया जा रहा है सलमान खान इसकी शूटिंग शुरू करने वाले हैं। एंड कब और किस दिन शुरू करने वाले हैं चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, सलमान खान की टाइगर 3 के बाद जो नेक्स्ट फिल्म आने वाली है उसका टाइटल दाबुल रखा गया है, जो कि हमें इससे अगले साल 2025 में सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलेगी। वही मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विष्णु वर्धन। दोस्तों आपको बता दें, सलमान खान इस फिल्म को करण जौहर के साथ मिलकर बना रहे हैं। वहीं खबरों की माने तो दोस्तों बताया जा रहा है इस मूवी की शूटिंग मई से शुरू होने वाली है। एंड ये जो फिल्म होगी सलमान खान की टाइगर 3 जैसी एक्शन फिल्म होगी, जिसमें हमें सलमान खान एक बार फिर से एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा। वहीं आपको बता दें, आने वाले दिनों में मेकर्स इस मूवी का टीजर ट्रेलर एंड कुछ सॉन्ग भी आगे हमें देखने में सुनने के लिए मिलेंगे। तो भाई लोगों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जल्दी मिलेंगे को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।